आज जो है हमने यहाँ पर हमारे सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होने वाला है उसके उपलक्ष्य में जो लगातार एक कार्यक्रमों का क्रम चल रहा है जयपुर और राजस्थान में, उसी क्रम के तहत योग पीस फाउंडेशन के तत्वाधान में उनके सहयोग के साथ हमने यहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी हैं क्लासेस के, छोटी क्लासेस के, उनका यहाँ पर एक योग का कैंप रखा था और वर्कशॉप रखी थी जिसमें आदरणीय मनीष जी योग पीस फाउंडेशन के जो संचालन कर रहे हैं जिसका वो भी यहाँ पर थे और बच्चों ने बड़ा लाभ उठाया और बच्चों को आनंद आया इस कार्यक्रम को हमने किया है। अभी हम 3 दिन के बाद 17 मई को भी एक दोबारा यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो हमारे सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं आदरणीय ढाका राम जी जो योगा पीस फाउंडेशन के जो मुख्य संचालक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमारा ये पर्पज़ है, उद्देश्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की योग विधा को पूरे संसार में प्रचलित और प्रचारित कराया है उसके क्रम के अंदर जो हमारे विद्यार्थी हैं जो हमारे भविष्य को बनाने वाले इस देश के भविष्य निर्माता हैं उनमें भी योग का संदेश जाए जिससे कि वो तन के तल पर, मन के तल पर, आत्मा के तल पर स्वस्थ रहकर भारत जो कभी विश्व गुरु था उसे विश्व गुरु बनाने का जो अमृतकाल का जो पीरियड चल रहा है हमारा, उस दौरान हमारे बच्चे, हमारे भविष्य के निर्माता अपने स्वयं का भी भविष्य अच्छा बनाएं और इस देश का भी भविष्य अच्छा बनाएं, उस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं मुरारजी देसाई योग अनुसंधान संस्थान दिल्ली में जो है उनकी प्रेरणा से पूरे देश भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के प्रोग्राम्स 100 दिवस से स्टार्ट हुए उसी श्रृंखला के अंदर आज जयपुर के विख्यात बहुत पुराने एक अपनी गरिमा रखने वाले एक पहचान रखने वाले सेंट सोल्जर स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अंदर बच्चों के साथ में योग, योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान का अनुभव योग थेरेपिस्ट योग गुरु ढाका राम जी की शिष्या पूर्वी ने बच्चों के साथ अनुभव साझा करे अपने प्रैक्टिकली 18 साल की बिटिया ने। और इस अवसर के ऊपर जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी माननीय मुख्य रहे राजेंद्र जी हंस साहब और हमारे जो संस्थान यहाँ के स्कूल के आगे अध्यक्ष जी सरदार अजयपाल सिंह जी साहब और यहाँ के जो पार्षद स्थानीय हैं जितिन श्रीमाली जी और जो आयुर्वेद विभाग के जॉइंट डायरेक्टर हैं आदरणीय जितेंद्र सिंह जी कोठारी, आप सब यहाँ पर रहे, सबने अनुभव लिया। हम इतना सा योगा पीस संस्थान की ओर से कहना चाहेंगे, नगर निगम ने भी इसके अंदर सहयोग किया, हर पार्क के अंदर, हर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं माननीय जसबीर सिंह जी भाई साहब जो निमित्त बने आज कर कार्यक्रम को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, क्योंकि आपका बहुत एक अपना एक पहचान, एक शख्सियत है आप जयपुर की, पूरे राजस्थान की, पूरे भारत के अंदर आपकी आध्यात्मिक छवि है कि पूरे सामाजिक संस्थाओं के साथ एक बहुत बड़ा सरोकार रखते हुए आप ये कार्य आगे बढ़ाते हैं माननीय, तो आपके माध्यम से, जिला शिक्षा अधिकारी जी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हर पार्क में जिस तरह निगम ने ये योजना बनाई है उसी प्रकार हर जयपुर के स्कूल के अंदर, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, हर स्कूल के अंदर नियमित रूप से योग के ऊपर कार्यक्रम हो, इसकी एक कार्य योजना बने और बच्चों का स्वास्थ्य, उनका मोबाइल एडिक्शन दूर हो, माता पिता के प्रति सम्मान के भाव हो, उनका जो जंक फूड है वो खाना बंद हो, ये सब योग से समाधान है। तो ये सारी जो वर्तमान की समस्या है इनको दूर करने के लिए हर स्कूल के अंदर योग हो, हर विद्यार्थी के लिए योग हो, शिक्षकों के लिए हमने प्रोग्राम बनाया शिक्षकों के लिए योग हो, तो तमाम संस्थानों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ इस मुहिम से जुड़िए। योगा पीस संस्थान का हेल्पलाइन नंबर 9309333662, आप अपने पार्कों में, आप अपने समाज में, आप अपनी संस्थाओं में, स्कूलों के अंदर जहाँ भी योग करना चाहते हैं निश्चित रूप से हम सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे योगा पीस संस्थान को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आज प्रोग्राम किया है आपने उसके बारे में बताएं, जो योग का प्रोग्राम आपने किया है उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। आज जो प्रोग्राम हुआ है आनंदन योग शिविर, मेरे ख्याल इससे बढ़िया कोई प्रोग्राम नहीं है। जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता में, जो बच्चों में और पूरे विश्व में, जैसा कि आपको बताया गया है 150 देशों में योग को एक्सेप्ट किया है, मेरे ख्याल जीवन में योग से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। और आज आप सबने देखा होगा जिस तरह से बच्चे, छोटे बच्चे, मेरे ख्याल 1st to 5th था, और जिस हिसाब से लोग योग में लीन हो रहे थे वो देखने वाली चीज़ थी। क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर जो है पेरेंट्स
छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो उनको मोबाइल में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो बच्चे मोबाइल देखते हैं, जंक फूड खाते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। योग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को एक नया जीवन देती है, एक नया डायरेक्शन देती है। तो मेरा तो ये, अब मैं इसके बाद में सारे पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा, योग शिविर दोबारा लगवाऊंगा और उसमें उनको भी बताएंगे भी योग जो है कितनी ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। आपको पता है योग ने करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है, पूरे विश्व में जीवन दान देने का काम किया योग ने, और उसको पहचाना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो आपको पता है 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस जो डिक्लेयर किया है, राष्ट्रीय योग दिवस जो डिक्लेयर किया है। और मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और हम ये जो प्रोग्राम है यहाँ, हमारे 5 इंस्टीट्यूशन हो रहे हैं, हमारा कॉलेज है, सब जगह पर हम ये प्रोग्राम कराते रहेंगे और निश्चित तौर पर इसको कंटिन्यू करेंगे। और महीने में 5-7-10 दिन हम ऐसी क्लासेज जो है ना कोशिश करें, रोज़ आधा घंटे योग क्लासेस हमारे स्कूलों में लगे। सर, जिस तरह से मैंने देखा है ना, बच्चों को देखा मैंने आज, तो काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, तो आपके स्कूल में क्या कंटिन्यू योगा चलता है? हाँ। या योगा टीचर्स यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, यहाँ योगा टीचर है, कंटिन्यू योगा चलता है। और हम जो है इस पर और फोकस करेंगे, और देखेंगे और मॉनिटर करेंगे। हमारे लिए, बच्चों के करियर के लिए योगा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमने आज देख के बच्चों को डिसाइड कर लिया।